हम ये चाहते हैं कि कारीगर को ट्रेन में अच्छी सहूलियत से आए, आराम से आए। बस में आने में 72 घंटा लग जाता है, ट्रेन में आने से वो लोग 48 घंटे में पहुंच जाते हैं। आराम से आए, बैठ के आए, और संक्रमण भी नहीं होगा ट्रेन में आएंगे तो वो हिसाब से हमने उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर को हमने ये रजूआत की है कि आप भी वहाँ पे रेलवे मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को दरख्वास्त करो कि भाई उड़ीसा के सूरत के लिए स्पेशल ट्रेन शुरू करें। तो क्या रिस्पांस मिला है वहाँ पे? रिस्पांस बहुत पॉजिटिव मिला है। उन वो भी चिंतित चिंतित है अपने उड़ीसा वासी कारीगरों के लिए, और वो तो उनके खुद के नागरिक हैं, और उन्होंने बताया कि भाई इस ये मैटर को अब हम एकदम अर्जेंट बेसिस पे लेके पीयूष गोयल और प्राइम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट करके जल्द से जल्द ट्रेन शुरू हो जाए, उसकी वो लोग प्रयास में है। अभी फ़िलहाल उद्योगों में हमारी जो बात करें तो हमारा जो वीविंग इंडस्ट्रीज़ है तो फ़िलहाल सब लोग शुरू तो करना चाहते हैं, लेकिन हमारे वहाँ वर्कर्स का प्रॉब्लम है, और ख़ास करके जो उड़ीसा से जो वर्कर है हमारे वहाँ, ऐसे बोला जाए तो हमारे वीवर्स के पास कम से कम 5 से 6 लाख कारीगर इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट में है, तो उसके अंदर कम से कम 50% कारीगर उड़ीसा के कह सकते हैं। और आज जो उड़ीसा से जो कारीगर ट्रेन नहीं चालू हुई है तो वहाँ से कोई कारीगर जल्दी से आ नहीं सकता है, और फिलहाल जो बस से आ रहे हैं तो बस में तो क्या एक लिमिटेशन आ जाती है, अगर ट्रेन शुरू होता है तो लार्जर नंबर्स में वर्कर्स आ जाएंगे और हमारी जो भी इंडस्ट्रीज़ है तो वो तुरंत चालू हो जाएगी।